बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से हम मैडम करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फार्मूला। आज उसी को बेस बना के हमने क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ये टोटली डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर बेस्ड है। ये डिस्टेंस फार्मूला आपने पढ़ा है, ये होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्केयर, या आप इसको ऑर्डर चेंज करके भी लिखें तो मेक्स नो डिफरेंस। x1 - x2 का स्केयर प्लस y1 - y2 का स्केयर। अब ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है। तो अब ये टू पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला है, इसको बेस बना के हमें प्रूव करना है कि जो वर्टिसेस हैं, कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये किसी राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस को फॉर्म करते हैं। तो राइट ट्रायंगल में हमें उसकी जो प्रॉपर्टी पता है वो ये पता है कि इसमें हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी हमें पता है राइट ट्रायंगल की, तो इस प्रॉपर्टी को हमने बेस बना के काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी हमने डिटरमिन करना है। तो यह आ जाएगा √3 - 0 का स्क्वायर प्लस −2 - −1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला फिर बता दूं, पहले x कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस करके स्क्वायर लेंगे, फिर y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके स्क्वायर लेंगे, इनके सम का अंडर रूट लेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। ये आ गया √3 का स्क्वायर 2 + 1 का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गया, ये 2 + 1 = 3 का स्क्वायर, तो इट वुड बी 3 + 9, तो ये आपके पास आ गया 12। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, ए बी डिटरमिन कर लिया। अब हमने बी सी फाइंड करते हैं और देखते हैं बी सी क्या आता है। तो बी सी आपके पास क्या आ जाएगा, देखें x कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके स्क्वायर लेंगे, y कोऑर्डिनेट्स को माइनस, बी और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें √3 - 0 का स्क्वायर प्लस −1 - −2 का होल स्क्वायर। तो अब ये आ जाएगा आपके पास 3 + −1 + 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 + 1, तो इट वुड बी √4। इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं पे छोड़ दें। अब इसी तरह लास्ट हमारे पास रह गया सी ए। तो तमाम साइड्स की आपने लेंथ कैलकुलेट करनी है ट्राइंगल की, तो अब सी ए या ए सी आपने लेना है। तो ए और सी वाले कोऑर्डिनेट्स में एक्स में एक्स माइनस करके स्क्वायर लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला का थोड़ा सा आपने ना थीम अंडरस्टैंड करना है कि एक्स क्वार जो पॉइंट्स का डिस्टेंस आप फाइंड कर रहे हैं उनमें जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो फर्स्ट में माइनस करके स्क्वायर, सेकंड में माइनस करके स्क्वायर, मीन एक्स कोऑर्डिनेट में माइनस करके स्क्वायर लेंगे और वाई कोऑर्डिनेट में माइनस करके स्क्वायर लेंगे। यह अब आपके पास आ जाएगा 0 + 2 + 2 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर, इट वुड बी 16। स्क्वायर रूट को आपने सॉल्व नहीं करना जब आप कुछ एक्स्ट्रा या प्रॉपर्टीज आप स्टडी कर रहे हो, तो जैसे आंसर आ रहा होगा आप उसको वैसे लिखेंगे, विद स्क्वायर रूट ही लिखेंगे, स्क्वायर रूट को अभी उड़ा नहीं देना। बेशक स्क्वायर रूट सिंपल हो रहा हो तो यहां पे आपको अवर क्लेवर होने की जरूरत नहीं है। नाउ बाय पैथागोरियन थ्योरम हम इसके ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे, वो होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, पैथागोरस थ्योरम है। अब इसमें हमने करना कुछ यूं है कि आपको तीन साइड्स गिवन है, देखें ए बी की वैल्यू गिवन है, बी सी की वैल्यू गिवन है और सी ए की वैल्यू गिवन है। अब यहां पे हाइपोटेन्यूस किसको रखें, बेस किसको रखें, परपेंडिकुलर किसको रखें, दैट इज द प्रॉब्लम। तो अब ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि इन तीनों में जो सबसे बड़ा होगा दैट वुड बी टेकन एज हाइपोटेन्यूस। तो तीनों में सबसे बड़ा क्या है, ये 16 है अंडर रूट, तो इसको हम एज हाइपोटेन्यूस रख लेंगे। तो ये आ गया 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, आपके पास कितना है, बेस और परपेंडिकुलर कोई नहीं, जो मर्जी रख लें, बेस और परपेंडिकुलर में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाकी जो दो बच गए उनमें से एक को परपेंडिकुलर ले लें, एक को बेस ले लें, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, ये 16 और ये कैंसिल हो गया 16, ये आ गया 12 + 4 कितने हो जाएंगे 16, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, तो सो वी कैन राइट ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल या गिवन आर वर्टिस इज अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन था। अब इसी तरह ये आपको तीन पॉइंट्स गिवन है,
प्रूव करना है कि ये वर्टिसेस हैं किसी आइसोसेलिस ट्रायंगल के। तो आइसोसेलिस ट्रायंगल में क्या होता है कि उसकी जो दो साइड्स होंगी कोई सी भी वो इक्वल होगी इन लेंथ। तो अब हमने क्या करना है, दो तीनों साइड्स फाइंड करनी है, देखते हैं दो इक्वल आती है कि नहीं आती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही डिस्टेंस फार्मूला लगाना है आपने, ए बी दिया जाएगा, ए और बी के फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर लें, फिर वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके आप क्या करेंगे स्क्वायर ले लेंगे। यह आ गया 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 3 प्लस 2 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 25 प्लस 16, तो इट वुड बी व्हाट 30, ये 41 आ जाएगा, ये ए बी आ गया आपके पास 41। इसी तरीके से आपने बी सी डिटरमिन करना है, तो बी सी क्या होगा, माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री माइनस टू का स्क्वायर, तो इट वुड बी माइनस फोर का स्क्वायर प्लस माइनस फाइव का स्क्वायर, ये आ गया 16 प्लस 25, ये होता है 41, ये बी इंटू सी आ गया, राइट हो गया। अब लास्ट रह गया सी ए, ये दो तो इक्वल आ गए, अगर तीसरा भी इक्वल आ गया ना तो ये आइसोसेलिस से इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगी। हमने आइसोसेलिस फाइंड करनी, इसलिए तीसरी साइड भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी, ए सी या सी ए, ये होगा 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर, तो इसको अगर सिंपल करें तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब आप हेंस रिजल्ट जो लिख सकते हैं, ए बी इक्वल है बी सी के और नॉट इक्वल है सी ए के, तो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट आइसोसेलिस ट्राइंगल, सॉरी ये दो इक्वल आ रहे हैं, दो अगर इक्वल आ रहे हैं तो ये आइसोसेलिस ट्राइंगल होती है, आइसोसेलिस ट्राइंगल। ये अब दो साइड्स इक्वल आ रही हैं, तीसरी इक्वल नहीं आ रही, तो जब किसी ट्राइंगल की सिर्फ दो साइड्स इक्वल हो और तीसरी इक्वल ना हो तो ऐसी ट्राइंगल को हम आइसोसेलिस ट्राइंगल कहते हैं। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है फाइंड एच, एच आपने फाइंड करना है सच दैट ए अंडर रूट 3 माइनस 1, बी 0 अंडर रूट 2, सी एच माइनस 2 आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। तो ए पे आपने राइट एंगल रखना है और बाकी बी और सी जहां मर्जी ले जाइए, बी ले लें या सी ले, राइट हो गया। अब उसी तरह पहले ए बी बी सी सी ए फाइंड करेंगे, तो ए बी के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके स्क्वायर लेना है, ये आ गया, और फिर y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके स्क्वायर ले लेना है, ये आ गया 3 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 प्लस 9, ये 12 आ गया ए बी, राइट हो गया। थोड़ा सा क्विक मूव लेना है इस दफा, बी सी, बी सी कितना होगा, बी सी बी और सी 0 माइनस h का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा एच का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये आपके पास बी सी आ गया। एंड लास्टली ए सी या सी ए, ये कितना होगा, ए सी या सी ए अंडर रूट 3 माइनस एच का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 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 प्लस 2 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 3 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये ए सी आ गया। एस ट्राइंगल ए बी सी इज राइट ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल है, सो इसमें क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, राइट हो गया। अब 90 के सामने जो होता है ये हाइपोटेन्यूस होता है, बाकी रेफरेंस एंगल यहां पे नहीं है, तो बेस परपेंडिकुलर जिसको मर्जी ले ले, ये आ गया। अदरवाइज अगर रेफरेंस एंगल होता तो फिर एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता और बाकी जो बचता उसको बेस कह देते। अब हाइपोटेन्यूस यहां पे, अब आपके पास बी सी है, इधर लिखेंगे बी सी का स्क्वायर बेस ए बी का स्क्वायर, यहां पे अब आप फ्री नहीं है या ग्रेटर साइड नहीं देखनी, बल्कि यहां पे जो एंगल गिवन है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स डिसाइड करनी है, सी ए का स्क्वायर। अब ऊपर हम वैल्यू सारी अवेलेबल है, ये वैल्यूज यूज करें, बी सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू दैट इज एच स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर, ए बी की वैल्यू
अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस सी ए की वैल्यू या ए सी की वैल्यू अंडर रूट 3 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा एच का स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 12 प्लस, इसको खोले जरा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 एच प्लस 1। अब ये सारी कटिंग कुटिंग करनी है, एच स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 16 इज इक्वल टू 12, 12 प्लस 3 15 और 1 16, ये 16 आ गया, माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 एच, इसको लिटिल बिट फर्दर सिंप्लीफाई करें, 16 आर पार कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2 अंडर रूट 3 एच इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो देन एच की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0। तो ये आपके पास राइट ट्रायंगल को लेकर हमने अननोन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी ना उसने ये राइट ट्रायंगल दी हुई है, एच हमने फाइंड करना है और वो ये राइट एंगल एट वर्टेक्स ए, ये सारी चीजें जो है ना आपको गिवन है, मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट स्ट्रक कर दी है, बाकी तमाम स्टेटमेंट यही है, जस्ट इसने ना कोऑर्डिनेट्स चेंज किए हैं। तो सो हमने क्या करना है, सबसे पहले ए बी फाइंड करना है, विच इज एच माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये आ गया एच माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इट वुड बी 36, ये आ गया 36, ये ए बी आ गया। इसी तरीके से आपने बी सी डिटरमिन करना है, बी सी आ जाएगा 2 प्लस 6 का स्क्वायर और 7 प्लस 7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं 64 प्लस 196, तो इट वुड बी 260, राइट हो गया। अब इसी तरह थर्ड एंड लास्ट डिस्टेंस रह गया ए सी का, ए सी कितना होगा, ये होगा एच प्लस 6 का होल स्क्वायर और 1 प्लस 7 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा एच प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस एच प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 64। ये आपने तीनों लेंथ कैलकुलेट कर ली, अब आपके पास वही है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, वो राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करें, ये ट्रायंगल है, सेम टू सेम ट्रायंगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए हैं। तो एज ट्रायंगल एबीसी इज राइट ट्रायंगल, सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहां पे 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बी सी का स्क्वायर बेस ए बी का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है ए सी का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, बी सी आपके पास है अंडर रूट 260 का स्क्वायर, ए बी एच माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर, ए सी एच प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 64 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। और कैंसिलेशन के बाद आपके पास जो चीजें बचेंगी वो लिखेंगे 260, यहां पे फार्मूला ओपन कर दें, एच स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 एच प्लस 36 प्लस एच स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 एच प्लस 64। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 एच स्क्वायर आ जाएगा और 12 एच में से 4 एच माइनस करें, 8 एच प्लस ये आ गया 40 और 64 कितने हो जाएंगे 104 माइनस 260 को इस साइड पे ले इक्वल टू 0। अब 260 में से माइनस करें तो कितना बचता है आपके पास 2 एच स्क्वायर प्लस 8 एच प्लस माइनस 56 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। अब आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मुलेशन से सॉल्व किया जा सकता है, 2 से डिवाइड कर दें या 2 कॉमन लेके 0 से डिवाइड कर दें, यह आ गया 28 इज इक्वल टू व्हाट 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज करेंगे, यहाँ पे स्मॉल ए 1 होगा, बी आपके पास 4 होगा, सी माइनस 28 होगा, ऐसे ही है। अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है तो यू विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट, इसमें देख लीजिएगा जल्दी में, आई थिंक सो मिस्टेक हो सकती है,
तो आपने मिस्टेक, कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकती है, आपने उसको देख लेना है, इन केस आपको कोई मिस्टेक नजर आती है तो आप उसको अकॉर्डिंगली ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हमारा काम थोड़ा जल्दी में होता है, टाइम शॉर्ट होने की वजह से हम कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं देख सकते, सो यू हैव टू पुट सम अटेंशन टुवर्ड्स योर कैलकुलेशंस। तो 4 8 का कितना होगा 32, 4 2 का 8 और 1 11, तो ये अब इसको सिंपलीफाई कर ले, ये h की वैल्यू आ गई। अच्छा, ये आपको ये दो वर्टिसेस दिए हुए हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल को लेकर, आपने थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी तमाम साइड्स आपके पास इक्वल होती हैं और तमाम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होते हैं, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री, और तमाम साइड्स इक्वल होंगी। तो अब हमने थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है, तो लेट कर लेते हैं कि सी एक्स वाई बी थर्ड वर्टेक्स, ये आपके पास क्या है, थर्ड वर्टेक्स है, राइट हो गया। इसको मैं जरा लेबलिंग इस तरह करूंगा ताकि इसी पैटर्न को हम फॉलो करें, ये एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लेबलिंग करनी होती है। अच्छा जी, ये आ गया। अब जब भी लेबलिंग करेंगे ट्रायंगल की एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में, ये ऑर्डर याद रख लें, दिस वुड बी द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट या वर्टिसेस को अरेंज करने का, ये ऑर्डर है एंटी क्लॉक, ए फिर बी फिर सी। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने एस ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो तीनों साइड्स इक्वल होंगी, ए बी इक्वल होगा बी सी के और ये इक्वल होगा सी ए के, फाइंड हो गया, तीनों साइड्स इक्वल होंगी। तो पहले हम ए बी फाइंड करते हैं, तो ए बी क्या होगा, माइनस थ्री का स्क्वायर, जीरो प्लस जीरो का स्क्वायर, और बी सी कितना आ जाएगा, एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर। ये थोड़ा सा शॉर्ट मूव कर रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला काफी दफा हम यूज कर चुके हैं। सी ए, सी ए कितना होगा, सी ए ये होगा एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर, वाई माइनस जीरो का स्क्वायर। अब स्केयरिंग करें ताकि अंडर रूट का जनाजा निकल जाए, स्केयरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस जीरो, अंडर रूट काटते जाए, वाई स्क्वायर, और ये आ गया एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, राइट हो गया। अब आपने ये आ गया 36, इसको आप एक्स वाले से कंपेयर कर लें, ये दो दो करके कंपेयरिंग कर लें और नेक्स्ट टूज को हम आपस में कंपेयर कर लेते हैं, राइट होगी बात, ये आ गया, ये दो दो करके हमने कंपेयर कर लिया, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया, इसको वन का नाम दे, इसको आप सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस सिक्स एक्स, ये फार्मूला ओपन कर दिया, आई थिंक सो एक में माइनस आएगा, इस वाले में माइनस आएगा, बी सी, बी सी वाले में ना, बी सी हाँ यहां पे माइनस आएगा, इसको आप चेक कर लीजिएगा, ये आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस सिक्स एक्स, एक्स स्क्वायर से गया नाइन, नाइन से गया, तो माइनस सिक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये माइनस ट्वेल्व एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो एक्स की वैल्यू तो आ गई है, इसको आप पुट करेंगे वन में और यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, पुट x इज इक्वल टू जीरो इन वन, वन में पुट करें इसको, 36 इज इक्वल टू जीरो प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो आ गया 36 माइनस नाइन इज इक्वल टू y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर 36 में से 9 माइनस करें 27, ये अंडर रूट कट गया, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री अंडर रूट थ्री आ गया। तो अब x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं, तो इसको आपने नाम दे देना सी एक्स, आपके पास जीरो आया और वाई थ्री अंडर रूट थ्री आ गया, इसको आप नाइन इंटू थ्री करके थ्री को बाहर निकालेंगे स्क्वायर बना के, ये सी आ गया प्लस माइनस थ्री अंडर रूट थ्री। अब ये दो वैल्यूज आ रही है वाई की, तो दिस इंप्लाइज टू ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, टू ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, मीन टू से कि अगर आप ट्राइंगल्स बनाना चाहते हैं तो दो ट्राइंगल्स आपके पास बन सकती हैं। ये देखें, ये था माइनस थ्री जीरो, तो ये माइनस थ्री जीरो है और ये है आपके पास थ्री जीरो, तो या तो ट्रायंगल ऐसे ऊपर की तरफ बन सकती है या फिर ट्रायंगल ऐसे नीचे की तरफ, दो ट्रायंगल इस तरीके से पॉसिबल है, या ऊपर वाली साइड पे बनाएं या फिर अपर हाफ प्लेन में बनाएं या लोअर हाफ प्लेन में बनाएं, तो ये दो तरह के ट्रायंगल्स पॉसिबल होंगे विच वुड बी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स।